Hey friends, hello. Welcome once again. I am your friend Dr. Alinur Qureshi और मैं आपका स्वागत वेलकम करता हूँ मेरे YouTube चैनल हेल्थ कंसल्टेंट में. अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल. आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है. आज का जो टॉपिक है, हम आज जो है कुछ कमेंट्स के ऊपर बात करेंगे, जो कि कमेंट मुझे दोस्तों मेरे WhatsApp ग्रुप में भी आए हैं और मेरे वीडियोस के कमेंट बॉक्स में भी बहुत सारे कमेंट्स आए हैं. तो सबसे पहले कमेंट जो है वो है ऑटोहेमोथेरेपी, ऑटोहेमोथेरेपिया, ऐसा ये जो है बाहर का वर्ड है एक ऑटोहेमोथेरेपी. तो ये हमें यहाँ के लोगों को ऑटोहेमोथेरेपी के बारे में ज़्यादा पता नहीं है दोस्तों. ऑटोहेमोथेरेपी मतलब क्या है? एक ये इम्यून सिस्टम बढ़ाने का काम करता है. हमारी जो इम्यूनिटी, अंदर से जो हमारी इम्यून पावर रहती है, उसको बढ़ाने का ये काम करता है ऑटोहेमोथेरेपी. इसमें क्या है, सिंपल एक फंडा है फ्रेंड्स, कि हमारी जो सेफेलिक वेन रहती है, जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था इंट्राकैथ लगाते हुए, तो वहाँ से हम एक 5 ml ब्लड निकालते हैं, एक सिरिंज से 5 ml ब्लड निकालते हैं और अपने ही वही ब्लड अपने ही हाथ में हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन से वो ब्लड अपने शरीर में डाल देते हैं फ्रेंड्स. इसको बोलते हैं ऑटोहेमोथेरेपी. ये करने के लिए मेरे पास कोई वॉलंटियर, कोई पेशेंट अगर आएगा तो मैं वो करके उस टाइम पे आपको वीडियो बनाऊंगा, बताऊंगा. लेकिन इसका यूज़ बेसिकली इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए एक किया जाता है और ये जो है वीकली वंस किया जाता है, 5-6-7 दिन में एक बार, ऐसा हाफ महीने में 4-5 बार, 3-4 बार ये कर सकते हैं हम. और ये जो है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बेसिकली करते हैं कि हमें अंदर से हमें रोग प्रतिकारक शक्ति हमारी बढ़ जाए. और इसका बेसिकली यूज़ जो है, ऐसा बताया गया है, बहुत सारे हैं उसमें ऐसा बताया गया है कि चेहरे पे जितने भी डार्क धब्बे हैं, हम जिसे पिंपल्स कहते हैं, एक्ने कहते हैं, पिंपल्स, एक्ने और कोई भी दूसरी जैसी प्रॉब्लम है जो इम्यूनिटी से रिलेटेड है, तो वैसे सभी प्रॉब्लम्स में जो है फ्रेंड्स, ये जो है ऑटो हीमोथेरेपी का वापर होता है. और इसमें बेसिकली करना ये है कि अपना ब्लड निकालना है, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, और देना है उसको हाथ में या कमर में. दूसरा एक कमेंट बार बार बहुत से वीडियोस में और व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछा जा रहा है कि कोई इंजेक्शन मिक्स करके दिया जा सकता है क्या? यह एक ही ड्रिप है आईवी का, आईवी फ्लूड का एक ड्रिप है, उसमें हम 4-5 इंजेक्शन मिक्स कर सकते हैं क्या? नो. ये बात क्या होता है, वो जो आईवी फ्लूड है फ्रेंड्स, जो आईवी फ्लूड की बॉटल है जिसमें एक से ज़्यादा इंजेक्शन आप मिक्स करेंगे, तो वो कॉकटेल फॉर्म हो सकता है. कॉकटेल तो आपको पता ही होगा, कॉकटेल मतलब वहाँ पे जो है एक अलग केमिकल रिएक्शन तैयार हो जाएगी और जो है वो जितना भी फ्लूड है जिसमें 4-5 इंजेक्शन हमने डाले हैं, तो वो प्रिसिपिटेट हो जाता है. प्रिसिपिटेट मतलब, आप कभी आप केमिस्ट्री के लैब में अगर गए होंगे, तो वहाँ पे जब एक जो एसिड होता है वो दूसरे एसिड में डालने के बाद जो रिएक्शन पैदा होती है, वहाँ पे वो जो लिक्विड है सफ़ेद हो जाता है, वहाँ पे फेस आने लगता है, उसको बोलते हैं प्रिसिपिटेट. ऐसा एक ही बोतल में अगर 4-5 इंजेक्शन डाल देंगे तो वहाँ पे प्रिसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा और वो प्रिसिपिटेट जो है एक प्रकार का पॉइजन होता है. तो इसीलिए एक प्रकार का पॉइजन जो है आप शरीर में पेशेंट के डाल देंगे तो पेशेंट को क्या होगा, आप बेहतर जाते हैं फ्रेंड्स. इसीलिए एक ही ड्रिप में, कोई एक ड्रिप है तो उसमें एक ही इंजेक्शन डालें, कभी एक के साथ दूसरा इंजेक्शन एक सिरिंज में भी मिक्स ना करें. अलग अलग सिरिंज, अलग अलग पर एक इंजेक्शन ले, उसको आईवी में, आईवी इंट्राकैथ के जरिए पेशेंट को दे दे, फिर दूसरा इंजेक्शन ले, फिर दे दे, फिर तीसरा, ऐसा करके आप पेशेंट को दे सकते हैं. लेकिन एक ही साथ एक ही बोतल में डालेंगे, कॉकटेल और प्रिसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा, जो कि पेशेंट के लिए बहुत हार्मफुल है. तो ये ऐसे 2-3 कमेंट्स हमें आए थे, उस कमेंट्स के ऊपर मैंने आज वीडियो बनाया. होप आपको अच्छा लगा. आप ऐसे ही कमेंट हमारे YouTube के वीडियोस में भी डालें और हमारे WhatsApp ग्रुप को भी ज्वाइन करें, जब चाहे ज्वाइन करें, जब चाहे लीव करें. आपका क्वेश्चन का सवाल मिल गया तो आप ग्रुप को लिफ्ट भी कर सकते हैं. मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अलीनवर कुरैशी. इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किए तो, बाजू का बेल आइकन दबाएं. थैंक यू वेरी मच.